अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डी ए मैथ 233 पेपर बी चैप्टर नंबर 8 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल 10 इंटू एक्स प्लस 3x सॉरी माइनस 3x प्लस 4 की होल पावर क्या है 9 और इंटू 2x माइनस 3x। मतलब अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले लेट कर लेते हैं। I इज इक्वल टू इंटेग्रल 10 इंटू एक्स क्यूर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी है हमारी 9 है, और इसके साथ इंटू आ जाएगा 2x माइनस 3 डॉट dx। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कांस्टेंट को इंटेग्रल के शुरू में ले जाएंगे, और फिर इंटेग्रल के अंदर हमारे पास बेस क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है, और इसकी होल पावर 9 है, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2x माइनस 3 है डॉट dx। हम इसकी बेस का डेरिवेटिव लेंगे जिसके साथ पावर है, तो बेस क्या है हमारे पास डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, क्योंकि इसी बेस का साथ डेरिवेटिव होना जरूरी है। क्या यही बेस का डेरिवेटिव है, ये हम चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर पे अलग से, माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 3x पे साथ अलग से, और प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 4 जो कि कॉन्स्टेंट है जिसने आखिर जीरो हो जाना है। फिलहाल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। एक बार मैं अगेन लिखता हूँ, एक मिनट के जरा, ये विजिबल होना चाहिए ना। तो ये रहा जी 4, ठीक है। अब यह देख सकते हैं आपके इस पे पावर लगाएगा, पावर शुरू में पावर आपने कम करके लिखनी है, और फिर डेरिवेटिव आपने लेना है इसकी बेस एक्स का। माइनस में 3 कांस्टेंट शुरू में आ गया, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेस का डेरिवेटिव, और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो 2 इंटू एक्स आ जाएगा, पावर एक कम होगी, एक्स का 1 हो गया, माइनस 3 इंटू ये भी आपका 1 हो गया, और प्लस 0। तो वैल्यू आती है 2x माइनस 3। क्या देखिएगा आपके पास, ये देख लें, ये वही वैल्यू लिखी हुई है। इसका मतलब है इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसका डेरिवेटिव ही है। तो अब आपके लिए इंटीग्रेशन करना और आसान हो गया। आप इसमें क्या करेंगे, अब इसमें आपने इसकी पावर में जो पावर वाली वैल्यू है ना उसमें आपने 1 ऐड करना है, और उसी पावर को आपने डिवाइड करके, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट लगा देना है। अब आप इसकी पावर देख सकते हैं, ये तो 10 है ना, इसके साथ ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, ठीक है, देखिए 10 हो जाएगी, और नीचे भी 9 प्लस 1 अगर आपने किया तो 10 हो गया, ठीक है, और प्लस आपके पास क्या है कांस्टेंट सी, 10 आपका इस 10 से कैंसिल हो गया। अब आपके पास इसका जो आंसर होगा वो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 3x प्लस 4, इसकी होल पावर आ जाएगी 10, साथ प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।